ठीक है, बिस्मिल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सूरतां दो हैं या मैनू हुक्म दो मैं नौकरां तुहाडा पुत्तर हाँ मेहमान हाँ मैं उदे आवे ना जेकर तकलीफ ना समझो तो तुसा इत्थे आ वंजो मजलिस बादशाह दी माहौल बने। एक हुक्म दो बिस्मिल्लाह आओ चाचू बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भला उन्हें मेहरबानी मेहरबानी मेरे बाद ओ शख्सियत मिंबर ते तशरीफ फरमाए जिन्हां दी वजह तो साडा तारुफ है अजीम शख्सियत मेरे बाद तशरीफ फरमाए तो इजाजत जी मैं बिल्कुल टाइम लम्मा जाया नहीं करना लगा। मेरे बुजुर्ग बड़े कदरदान अजीम नमाजी चेहरे तशरीफ फरमाए धरती का माण जिस बुजुर्ग की बरसी है उदियाँ लिखी हुई चार सत्रों तो मैं जिक्र पाक की इब्तदा करें। मजलस हथी पाउण का ना नहीं मजलस पढ़न का ना है। इजाजत जी चाचू जी बिस्मिल्लाह करीम सब दे सवाल सुन दे सवाल भी बेमिसाल सुन दे बिस्मिल्लाह करा जी बहुत मेहरबानी मेरे आवन का मकसद पूरा हो गया तुसी बोल पे चाचा चादर एडी वाले हटने वाली गल तक आई नहीं। करीम सब दे सवाल सुन दे सवाल भी बेमिसाल सुन दे कमाल लिख के उन्होंने आख्या जवार तू तो जबान रख दें हुसैन गूंगियां दी गाल सुन दे बहुत मेहरबानी इंजे जिमें हुण चार सत्रां सुनिए ने चाचा पुत्रां दे शेर होनी मेरा दिल में चार सत्रां होर ही पढ़ा चा इजाजत है मेरा बिरा बाबा इजाजत में चार सत्रां और पढ़ा बादशाह दे अजीम मदा खान मेरे बाद तशरीफ फरमा अजीम अजादार बैठे हो बंदिया यजीद नूं अल्लाह इन्हां लोकां ते लानत करे जिहड़े यजीद नूं सोशल मीडिया ते आदे पैन जी ए रज़ी अल्लाह फेसबुक ते व्हाट्सएप ते यजीद रज़ी अल्लाह जिहड़े लोग ये गल करदे पैन उन्हां बंदिया नाल मैं चार सत्रां पंजाबी ते चिट्टी पंजाबी च कीतियां मैं आख्या बुग्ज बेशक मजीद रख ले कुछ तसईदां दी दीद रख ले आ थोड़ा मयारे आ थोड़ा मयारे बुग्ज बेशक मजीद रख ले ओ कुछ तसईदां दी दीद रख ले हुसैन नालों यजीद चंगे ही प्यो दा नाम ही यजीद रख ले चलो इजाजत कमाले वहदहु के अक्स का अक्कास बैठा है बाबा समझ आंदी पई ना मैंने पता है स्पीकर की वजह से थोड़ा मसला बनता पे कमाले वादहु के अक्स का अक्कास बैठा है तवज्जो मेरे दम करो बड़ा सोहना चलता पे बड़ा सोहना हुण ना कुछ छेड़ा छाड़ी कर कमाले वादहु के अक्स का अक्कास बैठा है इजाजत है जी जमाले शब्बर शब्बीर का एहसास बैठा है मुनाफिक इसलिए आता नहीं बज़्मे हुसैनी में उसे डर है मलंगों में कहीं अब्बास बैठा है थोड़ी जिंदगी
ਵੱਧ ਪੜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਖਲੋਤਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਮੁਮਕਿਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ सैयद आ गया तो मेरा दिल पहले कोई ना ये रुबाई पढ़न दे हूँ मेरा दिल बन गया बच्चा जब मैं चार सत्र होर पढ़ा इमरान शाह जी इजाजत मैं पढ़ा जी बिस्मिल्लाह बुजुर्ग में इजाजत मैं पढ़ा थे जी ना छेड़ मलंगों के अकीदे को मुसलसल जो बात न अच्छी हो वल्ला नहीं कहते बात एडी वी करा आखिरी दो सत्र हर बंदे नहीं बोलना जेड़ा बंदा आता मैं मजलस हुसैन चाहना तो मैं बड़ी समझ आती है गल की बंदा जागदा हो सर्च आवे नौकर की बात सुने अगर समझ ना आए तो बस सत्र मैं वध पढ़ते मगर बात की समझ आखिरी सत्र ही जरूर आवनी चाहिए मैं कहना छेड़ मलंगों के अकीदे को मुसलसल जो बात ना अच्छी हो वल्ला नहीं कहते और तुम हैदर करार को कहने पे तुले हो हम लोग तो और को भी रजी अल्लाह नहीं कहते बिस्मिल्लाह करा जी इजाजत बिल्कुल नवा कसीदा बड़े जाकरम पढ़िया तो मेरा दिल है भाई मेरा अपना कसीदा है तो पहले मेरी मिंबर ते पढ़ूंगा इजाजत जी मैं पढ़ना चाह एक सलवात अपनी शान मुताबिक पढ़ो तो मैं एक शेर कसीदे का जनाब न सुनावा चले जाए बुकड़े बुकड़े जाए बच के
बंदे सरदी जनाई बैठन बावे इमरान शाह जी तुझा सैयद सरदार हो थोड़े कदम ते हाथ ला के सैयद हो बादशाह दे अजादार हो अजीम अजादार हो मदा खान हो सब बिछेंदे हो तुहाड़े तो दुआ पिनण वास्ते मेरे बाद अजीम हस्ती तशरीफ फरमान फकीर सैयद मौला दे अजीम मदा खान अजादार जंजीर जन मेरे बुजुर्ग बैठे चिट्टियां दाड़ियां ले बैठे इन्हां तो दुआ लवा गल केड़ी करदा पे मैं पिया दयाम अलम नहीं है जवान वेखो मेरे आले पासे ए आम अलम नहीं है ए अलम है कहंदा इनु सलाम कौन कौन करेंदा है गल सुनो ना उकर दी मैं प्यादा इस अलम दी कर दे हर चीज तलानी है जड़ा अलम ठर जाए कमजोर हरामी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह करन जी बड़ा बोले हो बड़ा बोले हो बड़ा बोले हो मैं मुतमैन मैं राजी बात गिरी कर दबे मैं पैदा इसी अलम दी कर दे और जी जलामी जड़ा अलम तो चढ़ जाए कम जो हरामी वो अलम तो डर जाए नल घर ते लेंदे वो अलम न चुम नल घर ते मेरी सैन तुहाडे ते राजी होवे बस इतना ही मैं पढ़ना ही जितना मैं पढ़ लिया क्योंकि गासिब ना बन जावा टाइम इतने के जी एक और च सुनावा अज सलवात ही तुसां पढ़ो ते मैं किसी दा पा ज्यादा पढ़दा ठीक करी ते पर कट्टा पढ़ लेना चलो एक सलवात होर उच्च आवाज नाल पढ़ो जी बिस्मिल्लाह तेज कीता कर हथु वाला ना बोल सी तो कौन बोले सी बाबा जी बाबा तवज्जो कर ना यार भैया बगदाद दा चौक बहलोल दा शौक शौक केड़ा मिट्टी दी ढेरियां बनाई एक बोर्ड लिख के लाया विलाया ली विखाओ ते जन्नत सस्ती हो गई है सारा दिन ऐलान करेंदा रिया यो शाम दा वेला ज़ुबैदा दी कनीज़े जड़ी बाजार चाहिए ठके वे अली दा मलंग मिट्टी ते बह के बैठा दे हक दा इमाम या अली 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 इस गल सुनी अर्श दी चीज जमीन दे विकरी पई वापस आई ज़ुबैदा पूछे बणया के भाई हैरान है परेशान है तेरे चेहरे ते जिस्म ते पसीना दस ते सही जिस्म च कप कपी बणया के आई हैरान होई परेशान होई ज़ुबैदा जी दस ते सही सैयद पिंडाल उठे मनु दात देवे दात थोड़ीए ज़ुबैदा दी कनीज ज़ुबैदा ने मुखातिब होके भैया दिया जी इक मस्ताना वेखिया है हैदर दा दीवाना वेखिया है जी इक मस्ताना वेखिया है हैदर दा दीवाना वेखिया है कम वकरा हो करेंदा है बैठा जनेता बेचेंदा है समझा नहीं सकिया भाई जान मैं समझा नहीं सकिया बंदे बाबा जी कुल्फियां बेचनी होवे ना दस्तूर बन गया बंदा चंगियां बत्तियां लैंदा रेड़ी ते भाई मेरे तो कुल्फियां लै लैन मेरे तो कुल्फियां लै लैन तवज्जो है जी कुल्फियां लै लैन बहलोल तो भरे बाजार जाके जन्नत लै जाओ अली वाले ओ जा जन्नत लै जाओ चाचा हुण तू चादर चो हाथ कढ़ने ते शेर में पढ़ना हाथ कढ़ लै जिद छोड़ दे जन्नत लै जाओ बोलो तू सही अली वाले जन्नत लै जाओ जन्नत लै जाओ और बोलो यार इबादत है बोलना जन्नत लै जाओ अली वाले ज़ुबैदा पूछे अच्छा जो जन्नत में चेंदा वह तुस बड़ा सोना दफ्तर बनायो सी आओ बानी मजलिस बड़ा दफ्तर बनायो सो
बड़े पोस्टर लायो सो, बड़े शीशे दे महल बड़े पोस्टर लायो सो, विचेंदा जो जन्नत बैठा है। तवज्जो है जी, ओ मलंगो खुश होए करो, ए अली दा मलंगा ही जिस मिट्टी ते बैठ के आख्या जन्नत ले जाओ। मौलवी नहीं आख्या, अली दे मलंगा क्या ज़ुबैदा जी दस दस सही। मुखातिब होके पया दिए मुखातिब होके पया दिए कतरल के नाल न बचिया दे अली हक दे नारे लैंदा है। बस मौला मेरा पढ़िया कबूल करे, थोड़ा सुनया कबूल करे। एडा अली दे पुत्रां नूं ने मारिया जेडा अली दियां धीआं नूं मारिया। तेरा मेरा लगा कुछ नहीं, सही दंदे वेड़े दा बच्चे कुछ नहीं। एक वैन मेरे बादशाहराजी बादशाह मेंबर पे तशरीफ फरमाए, मुल्क दे मेरे बाद जनाजे बरामद करे सन। दुआ मंगी करो शाला कहीं दा कोई होवे। शाम होंदी पई है, बाबा इमरान शाह जी मुल्क दा हर जलसा तुसीं सुने, मजलिस बादशाह दी पूरी सुनिए। एक मुल्क की 70 पड़ी गई है, बंदियां हर जाकर 2 17 पड़ियां, मगर मैं बेकफन पुत्रां दी मां तू पूरियां 4 लैना वैणा दी मंगियां, उन्हें मैं नता कीतियां, नवा जिहा वैणे तेरी धरती ते कर जावा। जिंदगी दा कोई पता नहीं, जेडे गल बहणा दे बिरा बैठे हो समझे सो, या दियां दे प्यो बैठे हो मेरी गल समझे सो, समझ आ गई जिंदगी दा रोना है। इजाजत है जी, मैं वैण कर देवा। आदपिया जी पुछ दिए प्यो दे मैयत बोलो भावे जींदिया यो मैन मावा आदि यो दस दस इधर बुए दे गुआवाया दस सही तेरे बुए दे गुआवाया। हर बंदे मेरी गल नहीं, ठहर भाई मैं समझा के बना। प्यो मरे दमान मुकवेंदे इमरान शाह जी दी दूर दिवस दी होवे बाकी जिंदगी होवी पता लग वे मेरा बाबा मारा गया है। हाथ दी रखी हुई शाय बोलवेंदी है उठे आंदी है दास्तां सही तेरे बुए ते अगुआवाया ना। गल सुने भाई, लावार सवा गोंदा
बख्त जो नी बस जो में कहना तू चरंगो नी कदी कदी शामिल दीदी हवेली जरूर गया घर अल्लाह दे बाद जड़ा बादशाह दी नू नजर आंदियो प्यो वे जड़ी गल कह बुए तू ना मनी वे ओ धी प्यो दे बुए तू मना लेंदी है दो बादशाह दिया गण जई वदे कबरे थरोंदे न इमरान शाह हाय करो तो मैं वैण करदा एक नबी है एक अली है एक दीदी नू पुत्रां दे सामने मरेंद रहे एक दीदी नू भरजाइयां दे सामने एक आदि आई पुत्रां दी कसम जा के आया करो मैं बतूल सचिया एक आदि आई आया करो मेरा गाजी जाए फिर आदि आई आया करो आखरी वैन मैं लंबा पड़ गया बाबा जी बिल्कुल नवा वैन कल बुंगा झमटा इस वैन ते मेरी मजलिस मुक गई है किसे भी बंदे ने दो पुत्र होवें ओ कोशिश करदा हौसले नाल वैन सुन तन समझ आ जावे ओ कोशिश करता है जगीर लवे वत वड्डे पुत्र दे ना करेंदा है वत प्यो दी हसरत होंदी है छोटा ही मेरा पुत्र है कुछ दे ना ही करा कुछ ना कुछ दे ना ही लिखा मैनु मिंबर दी कसम है वत प्यो जितना बनदा तरदा होवे उस पुत्र वास्ते कमरे पैंदा है जितना कर सके हुजरे बनांदा है लाया कुरान मैं सर ते रखदा चाचा जान असगर दी गर्दन दा खून शबीर दाड़ी चला के अकबर दी लाश ते आ गया दे पै इजाजत दे तेरी जागीर च मैं असगर दी कबर बड़ा सैयदा दे जाग मैनू पुत्रां दीआं कबरां बनावणियां पै गईआं सैयदा दे मैं ओ गरीब जिन्हों पुत्र चावने मोनी नजरात तशरीफ रखो जनाब के सामने पीरो मुर्शिद इज्जत माप मुल्क पाकिस्तान मसहब के हवाले एक बहुत बड़ा नाँ है जनाब सैयद अमजद अली शराजी साहब झूला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद कराए सन और इन्होंने बाद प्यारे वीर सखी हुसैन बादशाह के बड़े प्यारे जाकिर जाकिर सफदर सजाद हैदर जंग मिंबर ते मौजूद हैं खिताब फरमाए सन आखिर ते बानी मजलिस इज्जत माप पीर सैयद मुहम्मद।